फूट फूट कर रो पड़े पीएम मोदी। गुलाम नबी आजाद सुना रहे थे कौन सा किस्सा? क्या गुलाम नबी अब थामेंगे भाजपा का हाथ? उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद सत्ता जीवन में आती रहती है। लेकिन उसे कैसे पचाना, नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आप देख रहे हैं राजनीति दरबार। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल माहौल था विदाई का, जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद समेत चार सांसदों को सदन में विदाई दी जा रही थी। खुश किस्मत है, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूँ। मैं उन खुश किस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी तारीफ करने में इस कदर खो गए थे कि उनके आंसू छलक गए। अपने संबोधन में भावुक होते हुए पीएम मोदी ने उस समय का जिक्र किया जब गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमला किया गया था। तब गुलाम नबी आजाद का फोन नरेंद्र मोदी के पास आया था स्थिति को जानने के लिए। उन्होंने कहा तब गुलाम नबी ने गुजरात में यात्रियों पर हुए हमले पर ऐसी संवेदना प्रकट की थी मानो कोई घर का ही अपना हो।
साथ ही प्रधानमंत्री ने उन चारों राज्यसभा सांसदों जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नादिर अहमद को सम्मानित विदाई भी दी। साथ ही सभी सांसदों के कार्य और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। कितनी अलग बात है, जिस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के प्रति इस कदर अपनत्व महसूस करते हैं, वे उनकी विदाई पर आज रो दिए। विश्व में शायद ही किसी देश के सबसे गरिमाशाली पद पर बैठे किसी नेता ने अब तक ऐसा किया हो। लेकिन ये भी सही है कि प्रधानमंत्री का भावुक होना उनके आपसी मेलजोल को ही दिखाता है। भले ही चुनावी मैदान में विपक्षी नेताओं से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता हो, लेकिन असल जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी सभी को समान रूप से मानते हुए सभी के लिए दयालु स्वभाव को ही अपनाते हैं। प्रधानमंत्री का भावुक होकर रो पड़ना कोई दिखावा नहीं था, ये सबने देखा। लेकिन इसके बावजूद हमेशा की तरह विपक्ष इस पर कुछ टिप्पणी करने से कैसे चूक सकता था। आपका नाम है गुलाम लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ, ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। विपक्ष ने पीएम पर ये कहते हुए आरोप लगाया कि पीएम का राज्यसभा में रोना केवल एक छलावा है। गुलाम नबी आज़ाद को भाजपा में लाने के लिए दरअसल विपक्ष ने ये तंज इसलिए कसा क्योंकि राज्यसभा में रामदास अठावले ने भी गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करते हुए ये कहा कि अगर कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा राज्यसभा में नहीं लाई तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया इन्हें राज्यसभा में दोबारा लेकर आएगी। गुलाम नबी आज़ाद दोबारा राज्यसभा में आएंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इससे एक बात तो ये साफ हो गई है कि पीएम मोदी ने कोई छलावा नहीं किया। विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन प्रधानमंत्री जो अपने विपक्ष में बैठे नेताओं के लिए भी इतना सम्मान और प्रेम अपने दिल में रखता हो, उसके दिल में जनता के लिए कितना प्रेम होगा, ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। राजनीति से जुड़ी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपके साथ अन्य राजनीतिक खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।